ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट मैं सोचकर बताऊंगा कुछ दिन का टाइम दे दो नेटवर्कर क्या सोचेंगे आप प्रोस्पेक्ट यही की करना है कि नहीं नेटवर्कर जब आप सोचेंगे तो कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे आप अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछोगे उनकी सलाह अलग होगी फैक्ट्स उनको पता नहीं होंगे ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे सचिन से एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना या शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना जबकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं पर यह गलत हो जाएगा और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है कैसा रहे कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने का आप सत्तर से अस्सी हज़ार कमाने की तैयारी करें इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इन्वाइट करता हूँ सेमिनार में बहुत अच्छा प्रोग्राम है एंड फैक्ट्स जानने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है जो कि सारी स्किल आपको आनी चाहिए बल्कि यह कीर्तन में सत्संग में बैठने जैसा है कुछ काम आप करेंगे और कुछ टीम करेगी इस तरह आपका बिजनेस चलेगा चलिए जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा लें बिजनेस के डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं मैं आपके साथ हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोले कि पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा, तो बोले कि कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं ताकि वो सही डिसीजन लें और आपको सही राह दिखाएं उसके बाद भी मन न हो तो कोई बात नहीं हम दोस्त रहेंगे प्रोस्पेक्ट मेरे पास टाइम नहीं है नेटवर्कर क्या पाँच साल पहले टाइम था प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर क्या पाँच साल बाद टाइम होगा प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर जैसा चल रहा है उसमें न टाइम था और ना होगा कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा नेटवर्कर टाइम चाहते तो थे लेकिन कुछ ऐसा ही था कि जाना चाहते थे मुंबई लेकिन कोलकाता को की ट्रेन में बैठे हैं क्या कभी आप मुंबई पहुंचेंगे अगर पैर में कांटा लगा हो तो क्या करोगे प्रोस्पेक्ट सुई या ओल पिन से निकाल दूंगा नेटवर्कर ग्रेट लेकिन जब पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा लेकिन कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो बाद में सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा बड़े बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी इस बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं हम आपकी हेल्प करेंगे आपके टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा मैं हूं आपके साथ चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट महंगे हैं नेटवर्कर आपके पास दो बोतल है ए बोतल की कीमत सौ रुपए और बी बोतल की कीमत पचास रुपए तो कौन सी महंगी है प्रोस्पेक्ट राइट ए बोतल नेटवर्कर अब ए पर रू और बी पर पैप्सी लिख दो अगर पचास गेस्ट को सर्व करना हो तो दोनों की क्या कॉस्ट आएगी रूअप जामे में पानी मिलाकर पचास गेस्ट को सर्व कर देंगे सौ का खर्च लेकिन पचास बोतल पैप्सी की लगेंगी उसी काम के लिए और आप पैप्सी नहीं मिला सकते पचास गुणा दस पाँच सौ का खर्च अब क्या महंगा है बताइए प्रोस्पेक्ट पैप्सी बोतल भी महंगी है नेटवर्कर इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं देखने में महंगे लग रहे हैं लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते हैं प्रोस्पेक्ट मैं सेलिंग नहीं कर सकता प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं मैं ये नहीं कर सकता नेटवर्कर मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ नहीं नेटवर्कर और अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता मैं कोई एक्स वाई जेड कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता तो वह सेल्समैन रख लेते लेकिन बिजनेसमैन मॉडल पर है कि वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होता है हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं और लोग बेचते नहीं लोग हमसे खरीदते हैं अगर आपको खांसी हो गई तो गलाइकोडीन सिर्फ लिया और खांसी ठीक हो गई अब आपके पड़ोसी को खांसी हो गई तो आप क्या कहेंगे कि क्या ले लो प्रोस्पेक्ट मैं ग्लाइकोडिन कहूँगा कि यूज करो नेटवर्कर अगर उनकी खांसी भी ठीक हो गई तो वो भी दूसरों को ऐसे ही सलाह देंगे प्रोस्पेक्ट बिल्कुल सही कहा नेटवर्कर क्या इसमें आपने कोई सेलिंग की प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया इस बिजनेस में आपको भी यही काम करना है और प्रोडक्ट यूज करना है अच्छे लगे तो शेयर करना है इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे मैं आपके साथ हूँ एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज बताते हैं हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा कि हम एक दो साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आज़ादी ले लें प्रोस्पेक्ट मैं मीटिंग में नहीं जा सकता नेटवर्कर क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है आपको बहुत मज़ा आता है प्रोस्पेक्ट बिल्कुल नहीं नेटवर्कर पर अटेंड करते हो ना और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ेगी यहाँ पर एक साल तक महीने की एक दो मीटिंग अटेंड कर लो और साल के बाद एक से दो लाख की इनकम हर महीने आने लगेगी क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते प्रोस्पेक्ट मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में नेटवर्कर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर उसकी कमर का साइज क्या है उसका पसंदीदा रंग कौन सा है प्रोस्पेक्ट मुझे पता नहीं नेटवर्कर आप मनमोहन सिंह को जानते हैं प्रोस्पेक्ट हाँ जानता हूँ नेटवर्कर आप जानते हो मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश क्या है प्रोस्पेक्ट नहीं पता नेटवर्कर ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं उसकी पूरी डिटेल नहीं पता होती और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है आप दो से तीन महीने हम पर फेद करें विश्वास करें फिर अगर आपको बदलाव नहीं लगे तो आप मत करना प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट की क्या गारंटी है जैसा आप बता रहे हो ऐसे है भी या नहीं कैसे पता चलेगा नेटवर्कर कैसे पता चलेगा प्रोस्पेक्ट यूज करके नेटवर्कर हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं वैसे या प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही आपको पता चलेगा अगर आप तीन से छ महीने यूज करो अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो आगे यूज मत करना प्रोस्पेक्ट मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेम्बर नहीं बना सकता नेटवर्कर अभी आप किस से बात कर रहे हो मैं कोई भूत तो नहीं हूँ सर इंसान हूँ आप ऑफिस में किससे बातें कर रहे हो ऑफिस में क्लाइंट से बात करते हो प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर आप घर में फैमिली से बात करते हो प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर मार्केट में दुकानदार से किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर ये सब कौन है लोग ही तो हैं बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते हम हैं ना आपकी स्पोर्ट के लिए चलो स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट मुझे डिस्काउंट दो दूसरा तीस परसेंट दे रहा है नेटवर्कर आपको पता है कि पैप्सी दस की आती है प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर अगर आपको कोई दस वाली सात में दे तो आप लोगे प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर क्यों नहीं लोगे प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो धोखा या माल नकली हो नेटवर्कर तो जो प्रोडक्ट्स हमें पड़ता है अगर कोई हमसे कम दे रहा है तो क्या मतलब होगा क्या आप अपनी और अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे हम आपको डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा और डिस्काउंट बढ़ता ही जाएगा कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी हाथ में रहेगा प्रोस्पेक्ट मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है नेटवर्कर आपकी शादी में कितने लोग आए थे प्रोस्पेक्ट तीन से चार ये सब जानकारी के थे या पेपर में ऐड देकर बुलाया गया था प्रोस्पेक्ट नहीं जान पहचान के ही थे नेटवर्कर आपके पास मोबाइल फोन में कितने नंबर हैं प्रोस्पेक्ट ढाई से तीन नेटवर्कर क्या ये कॉन्टैक्ट नहीं है और हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाते हैं प्रोस्पेक्ट मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड्स ने भी ये काम किया था लेकिन चला नहीं छोड़ दिया नेटवर्कर आपके पास कौन सा वाहन है प्रोस्पेक्ट कार बाइक साइकिल है नेटवर्कर अपने आप चलता है या चलाना पड़ता है प्रोस्पेक्ट नहीं चलाना पड़ता है नेटवर्कर ऐसे ही मेरिट लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है जॉब अपने आप चलती है काम करके चलाना पड़ता है अपने आप कुछ नहीं चलता चलाना पड़ता है एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स एक ही मेरिट में आते हैं और दूसरा फेल हो जाता है और जो फेल हो गया वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता और सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी और भी बहुत कुछ और मेरिट वाला कहता है स्कूल बहुत अच्छा है टीचर बेस्ट है सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे एग्जामिनर भी बहुत अच्छा था तो जो स्टूडेंट फेल हो गया था गलती उसकी थी और कि टीचर या स्कूल की एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती वैसे ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करते ही सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती हाँ पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर्स की गाइडेंस में सीख कर सिस्टम फॉलो करके आपको सक्सेस जरूर मिलेगी लोगों की शादी होती है एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया क्या और बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया लोग दुनिया छोड़ जाते हैं तो क्या बाकी लोग बच्चे पैदा करना छोड़ दें ऐसे ही कुछ लोग अगर हमारी कंपनी छोड़ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है प्रोस्पेक्ट मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूंगा मेरे किसी जानने वाले ने किया था उससे पूछूंगा नेटवर्कर वेरी गुड जरूर पूछना चाहिए प्रोस्पेक्ट मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता नेटवर्कर आप बताओ कि अगर आप कन्विंस नहीं होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते बस राइट right इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स बताते हैं जिसको होना होता है वो कन्विंस हो जाता है और हम आपके लिए काम करेंगे और आपके लोगों को हम समझाएंगे प्रोस्पेक्ट मुझे एम एल चैन सिस्टम पसंद नहीं है ये चैन सिस्टम है नेटवर्कर ये बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे प्रोस्पेक्ट तीन भाई थे नेटवर्कर उन सबके कितने बच्चे हैं प्रोस्पेक्ट उनके इतने बच्चे हैं नेटवर्कर उन सबके कितने बच्चे हैं यानी आपके कजन्स ये सब पेपर पर ड्रा करते जाओ नेटवर्कर आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है प्रोस्पेक्ट सी नेटवर्कर उसको कौन रिपोर्ट करता है प्रोस्पेक्ट चार मैनेजर्स नेटवर्कर और उन चार को कौन रिपोर्ट करता है प्रोस्पेक्ट जी नेटवर्कर फिर आप इसी तरह जो पूछ रहे हैं उसे पेपर पर ड्रा करते जाइए और कहिए कि ये चैन नहीं तो क्या है हम जाने अनजाने एक चैन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी न किसी चैन से जुड़े होते हैं हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है तभी ये दुनिया चलती है यहाँ भी ऐसा ही है या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते हैं या फिर ऐसा ही नेटवर्क बनाकर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं आज स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट रेस्टोरेंट हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर टिकट काउंटर्स सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हमसे बड़ा पैसा कमा लेते हैं और हमें भी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए जैसे वोडाफोन की सिम तो सभी इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या कभी वोडाफोन का मालिक आपको सिम ले लो फ्री सिम ले लो ऐसा कहते हुए देखा है आपने उनके नेटवर्क का कोई दुकानदार के जरिए आपको सिम कार्ड मिला था आप मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और एक चैन का ही हिस्सा बनते हैं बस फर्क यह है कि वो गरीबी की चैन और हम जो कर रहे हैं वो आपको फायदा ही देगा इसलिए ये अमीरी की चैन है आप कौन सी चैन का हिस्सा बनना चाहेंगे ये डिसीजन आपके ऊपर है प्रोस्पेक्ट इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनी है मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन की थी नेटवर्कर एक पेपर के बीच में एक लाइन खींचकर दोनों के फीचर लिखिए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए गूगल की मदद ले विकीपीडिया पर सर्च करें या अपने कैटेलॉग दिखाएं अपनी कंपनी की सफल उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा जानें प्रोस्पेक्ट हमें कुछ अपना काम करना चाहिए नेटवर्कर जब हम कोई शॉप या एजेंसी खोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स का ब्रांड लोगो हमारा अपना होता है या हम तब भी किसी दूसरे के ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट दूसरे का ही ब्रांड होता है नेटवर्कर क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे टाइम फ्रीडम यानी बिना टाइम लगाए पैसा आएगा प्रोस्पेक्ट गारंटी नहीं है प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते नेटवर्कर आप जिस ईश्वर देवता गुरु में विश्वास करते हैं क्या सभी लोग उनको मानेंगे या जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है तो क्या वो सब लोग पसंद करते हैं आप मिठाई की दुकान पर फ्री में मिठाई बांटे तो क्या सब लोग आपसे मिठाई लेकर खाएंगे प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के दहले बादशाह होते हैं ऐसे ही समाज में कुछ शार्प एम्बिशियंस ड्रीमर्स होते हैं उन तक पहुंचने के बाद आप सफल हो जाते हैं वही कुछ जोकर भी होते हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता और वो आप पर भी अपना असर डाल सकते हैं उनसे दूर रहकर ही आप कुछ बड़े काम कर सकते हैं इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे प्रोस्पेक्ट कंपनी दुकानों पर सामान क्यों नहीं बेचती है नेटवर्कर क्या दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से दुकान होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा बचाकर कस्टमर को इनकम के रूप में देती है डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर नकली सामान से भी बच जाता है और इनकम भी पाता है प्रोस्पेक्ट मैं अपनी जॉब में सेटिसफाई हूँ जो भी मेरा पैशन है नेटवर्कर क्या जॉब में किसी कारण से 20-30 परसेंट की सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सर्टिफिकेशन वैसा ही रहेगा या सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 20 से 30 परसेंट बढ़ जाए तब भी सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा हम बोस मालिक के प्रति वफादार लॉयल हैं पर वो क्या हमारे लिए लॉयल है क्या ये ठीक है प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर यानी हमारी ज़रूरतें तो पैसे से जुड़ी हुई हैं पैसे ही फाइनली पूरी करेंगे तभी सेटिस्फिकेशन आ सकता है आप सुबह ऑफिस में घुसे लेकिन किसी काम से वापस आने की ज़रूरत है आपने अपने सीनियर से पूछा लेकिन उसने मना कर दिया क्या आप फिर वापस आ सकते हैं प्रोस्पेक्ट नहीं नेटवर्कर मन मार कर बैठना पड़े और 60 से 70 साल तक ऐसा चलता रहेगा आओ हम आपकी हेल्प करेंगे आप एक से दो साल तक सीख कर काम करके पैसा कमाने की टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे और समय की आज़ादी भी आपको मिलेगी नेटवर्कर लाखों रुपए इस साल का कमाने के लिए आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा क्या आप सीखने को तैयार हैं और yes नो no? प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर लाखों रुपए साल का कमाने के लिए क्या आप हमारी हेल्प लेने को तैयार हैं यस और नो प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर लाखों रुपए साल का कमाने के लिए नॉन प्रोडक्टिव टाइम में इसके लिए काम करना पड़ेगा क्या आप इसके लिए तैयार हैं क्या आप काम करना चाहेंगे प्रोस्पेक्ट हाँ बिल्कुल नेटवर्कर लाखों रुपए साल का कमाने के लिए सफल लोगों की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी और ट्रेनिंग में आना पड़ेगा क्या आप आएंगे यस yes. प्रोस्पेक्ट हाँ ग्रेट नेटवर्कर अब उस व्यक्ति से हाथ मिलाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोले क्या आप मुझ पर दो से तीन महीने विश्वास कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट हाँ नेटवर्कर मैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा के आपको कुछ पैसे कमाने में हेल्प करके कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा लेकिन तो फिर इन सारे क्वेश्चन को अभी डस्टबिन में डाल दो, दो से तीन महीने हम मिलकर काम करेंगे फिर भी नहीं चला तो छोड़ देना हम बस दोस्त रहे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेडीज एंड वोमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग लेडीज मेरे बच्चे अभी छोटे हैं बड़े हो जाएं फिर बिजनेस करूंगी नेटवर्कर ये तो बहुत अच्छा मौका है कि इन बच्चों के लिए हम कुछ रॉयल्टी इनकम बना लें आपने देखा होगा कि तीन महीने के छोटे बच्चों को छोड़कर लेडीज आठ से दस घंटे की जॉब पर जाती हैं और घर के काम भी संभालती बड़े होकर बच्चों को कुछ याद नहीं रहता कि उसकी मम्मी या पापा उसे बचपन में छोड़कर कितनी देर और कितनी दूर गए थे लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उसके पैसे से जुड़ी ज़रूरतें हम पूरी नहीं कर पाते तो वह उसे पूरी ज़िंदगी याद रहती है यह बिजनेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बच्चों से और उसके भविष्य से प्यार करते हैं आओ मिलकर इस काम को करते हैं और पैसा कमाते हैं नेटवर्कर जैसे हम बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं वैसे ही मीटिंग में दो साल से छोटे बच्चे आ सकते हैं आप उन्हें पीछे लेकर बैठ सकती हैं ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब न हो और साथ में आप कुछ बिना आवाज वाले खिलौने बच्चों का खाना पानी ले आना चाहिए बच्चे आपको परेशान न करें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके स्कूल जाने के बाद हम इस काम को सीख सकते हैं काम कर सकते हैं ये कंपनी हमें एक बहुत बड़ा अवसर देती है कि हम बच्चों के साथ इस काम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कर सकते हैं लेडीज मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती नेटवर्कर लेडीज के लिए मीटिंग्स दिन में ही होती हैं हम अपने दिन के काम को मैनेज करके लेडीज मीटिंग में जाते हैं और बिजनेस करके अपने लिए इतने रुपए महीना कमाते हैं आओ मिलकर इस बिजनेस को करते हैं लेडीज मीटिंग के टाइम पर मेरी काम वाली आती है घर पर नेटवर्कर हमें अपनी लाइफ में वैसे भी काम वाली का चैलेंज आता है जैसे अगर हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है या किसी पार्टी में जाना है शॉपिंग करने जाना है या बच्चों की हॉबी क्लास में जाना है इत्यादि तो हम उससे बोलकर टाइम बदलवा लेते हैं अगर नहीं तो कोई नई काम वाली रख लेते हैं क्या इनसे भी किसी काम से हमारी इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी तो क्या आप चाहते हैं कि एक बढ़िया पचास से साठ हज़ार की परमानेंट इनकम जो कभी बंद न हो यस कई बार काम वाली को उसी टाइम पर ज़्यादा पैसे में काम मिल जाता है तो वो हमारे यहाँ से काम छोड़ जाती है तो क्या हम अपने सुनहरे भविष्य के साथ काम वाली को रुकावट बनने देंगे नहीं तो आओ काम स्टार्ट करते हैं लेडीज मैं घर घर नहीं जा सकती नेटवर्कर यह काम घर जाने का नहीं है अगर ऐसी ज़रूरत होती तो कंपनी सेल्समैन रख लेती हम अच्छी सेज की इंफॉर्मेशन को अपने जानने वालों को बताते हैं जैसे आम लाइफ में हम एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं किटी पार्टी करते हैं इस बार भी वैसा ही है लेकिन कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बताते हैं इसमें दोनों का ही फायदा है लेडीज मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है वे इसके खिलाफ हैं मैं ये कैसे कर सकती हूँ नेटवर्कर कैसा रहेगा कि हम ये अच्छी इन्फॉर्मेशन और डेमो उन्हें भी दिखाएं जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो तो वो आपका साथ जरूर देंगे आओ मिलकर बढ़िया पैसे कमाते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड आंसर नेटवर्कर अच्छा आपके हस्बैंड सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं सुबह नौ बजे और रात को घर कितने बजे आते हैं रात को नौ बजे दिन में उनसे कितनी बार बात हो जाती है मुश्किल से एक बार क्या आपको उनका ये काम पसंद है नहीं पर पैसे की मजबूरी में घर का खर्चा चलाने के लिए हमें उनका काम करना पसंद आता है अभी उनको इस बिज़नेस के इफ़ेक्ट्स पता नहीं है हम शाम को आकर उनको ये बिज़नेस दिखाएंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि यह बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने की चिंता से मुक्ति के लिए है फिर भी पसंद न आए तो कोई बात एक एक कप चाय पियेंगे लेडीज मेरे बस का नहीं है मैं नहीं कर सकती नेटवर्कर मैं भी इस काम को टफ़ समझती थी तो मैंने अपने सीनियर की हेल्प ली कुछ सक्सेसफुल लोगों की सीढ़ी सुनी बुक्स पढ़ी तब मैं आसानी से इस बिजनेस को कर सकी मैं भी आपकी हेल्प करूंगी हम दोनों मिलकर जरूर कर लेंगे आओ मिलकर इस काम को हम करते हैं लेडीज मेरी फैमिली के लोग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं नेटवर्कर जब हम अपने घर में होने वाले बर्थडे पार्टी पूजा पाठ पार्ट को इम्पोर्टेंट देते हैं तो लोग भी उसे उतना ही ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंट देते हैं जब हम इस बिज़नेस को इम्पोर्टेंट नहीं देते तो किसी प्रोग्राम में ना जाना मीटिंग अटेंड नहीं करना रिलेटिव्स के चक्कर में सेमिनार्स एंड इवेंट्स में नहीं जाना तो लोग भी हमारे बिजनेस पर फेथ नहीं करते इसमें हमारा ही नुकसान होता अगर हम बिजनेस को इम्पोर्टेंट नहीं दे तो हमारा कम विश्वास देख कर, लोग हमें अपना लीडर स्वीकार नहीं कर पाते इसमें हमारा ही नुकसान है इसका सोल्यूशन यह है कि हम अपनी ट्रेनिंग क्लासेस में रेगुलर जाएँ सफल बने और फिर अपनी सक्सेस दिखाएं लेडीज मैं पहले से जॉब करती हूँ फिर घर के काम और बच्चों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मैं ये काम नहीं कर सकती नेटवर्कर क्या ऑफिस में दो घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो आप नहीं करेंगे करेंगे क्या वहाँ एक्स्ट्रा काम करके पैसे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी नहीं होगी यहाँ जॉब और फैमिली के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करके खुद का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा हजारों लेडीज जॉब से फ्री हो चुकी हैं और हस्बैंड वाइफ पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं घर के काम के लिए ड्राइवर्स कुक्स माली और सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं क्या यह जॉब से पॉसिबल हो पाएगा हमें यहाँ नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है